सबसे पहले तो हम अपना जीवन सुधार रहे हैं, बाकी अन्यों के जीवन सुधारने का सामर्थ समर्थ तो नहीं है, बट जो गुरु समर्थ है उनको हम मदद कर रहे हैं। सो आई एम असिस्टिंग माई स्पिरिचुअल मास्टर इन प्रीचिंग द गॉस्पल ऑफ द लॉर्ड, और तद्वारा हम अपना जीवन भी सार्थक बना रहे हैं, उन्हें सहायता प्रदान करके, सपोर्ट करके। तो अभी थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे और फिर उसके उपरांत विल डिस्कस समथिंग। सभी अपना अपना फोन साइलेंट पे कर दीजिए। फोन की मुंह बंद कर दीजिए और अपना मुंह खोलिए भगवान के नाम लेने में। एंड एक्चुअली चैंटिंग द नेम्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के दिव्य नामों को लेना ही, दैट्स द वेरी परफेक्शन ऑफ द टंग। जिस उद्देश्य को लेकर हमें ये जिह्वा दी गई है, दैट इज एक्चुअली मेंट टू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, भगवान के नाम लेने के लिए दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश लोग अपने जिह्वा का प्रयोग भगवान के सुंदर नाम लेने की के लिए प्रयोग करने के बजाय बाकी दुनिया भर की बातें करने के लिए हो या दुनिया भर के नाम लेने के लिए उपयोग करते हैं। बट असलियत में जो हमें ये जिह्वा के सार्थकता भगवान के नाम लेने में है ये, इसलिए सो मैन एज लॉन्ग एज वी चैंट, जितना समय जितना देर हम भगवान के नाम की कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, सो वी आर लिविंग द परफेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के साथ आई मीन वी आर एक्चुअली लिविंग इट। उस समय वो परफेक्शन जिसको हम कहते हैं, वी आर एक्चुअली इन दैट स्टेट। तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत भगवान के नाम है। एंड जैसा शास्त्र में कहा जाता है, वक्तुम समर्थः अपि, वक्तुम मतलब वन इज अवार्डेड द एबिलिटी टू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, भगवान ने सभी को भगवान के नाम लेने के समर्थ बना, भगवान ने तो बना दिया, सभी को जिह्वा दिया हुआ है भगवान, समर्थता तो भगवान ने दे दिया हुआ है। बट हमारी दौर्भाग्यता है कि इस समर्थता की, इस एबिलिटी का प्रयोग हम भगवान के नाम लेने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम लेने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई राजा कुलशेखर, ही वॉज अ ग्रेट किंग, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा महान राजा रहे हैं। फिर अपना राज करने के उपरांत जब एक समय पर वो व्हेन ही रिटायर्स, देन फिर वे श्रीरंगम में जाते हैं, फिर अनेक ग्रंथों का रचना करते हैं, अद्भुत साक्षात्कार है अपनी उनकी। तो उसमें ये बात लिखते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चित, हर एक व्यक्ति को समर्थ बना दिया गया है भगवान के नाम लेने के लिए, बट फिर भी लोग भगवान के नाम नहीं लेते हैं। एंड दिस इज देयर ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून, यही सबसे बड़ा दौर्भाग्यता है। कई बार लोग धन नहीं होना हो या बहुत बड़ा विद्या नहीं होना हो या बहुत बड़ा फेम ना होना, इन सारा चीज़ों को बहुत बड़ा दौर्भाग्य मानते हैं। बट असलियत में ये सारा कोई दौर्भाग्य नहीं है, असली दरिद्रता है, द रियल पॉवर्टी और रियल माइजरलीनेस, कंजूस, यही है जो जिनको मनुष्य जीवन मिला हुआ है, जिनको समर्थ बनाए गए हैं, बट फिर भी वो ही डज नॉट यूटिलाइज इट फॉर द राइट पर्पस, सही उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करते हैं, सिंपली वेस्टिंग द लाइव्स,
केवल अपना जीवन को व्यर्थ बना दे रहे हैं। इन द सो कॉल्ड इल्यूजरी मटेरियल परसूट्स, केवल एक भ्रांत धारणाओं में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जीवनी से हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए ही हमें भगवान ने गीता पढ़ाया, और उसके साथ साथ हमें ये हरिनाम संकीर्तन का ही यही मूल उद्देश्य है। इट कैन वेरी ईजिली ट्रांसफर वन फ्रॉम दिस मटीरियल प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व से हमें आध्यात्मिक लोक में ले जाने का एक बहुत सुंदर व्यवधान है, सपोर्ट सिस्टम है ये जो हरिनाम संकीर्तन। इमीडिएटली पर्सन इज ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज सून एज ही चांस, जैसा वो भगवान के नाम का कीर्तन करता है अपने हृदय से, देन इमीडिएटली इज ट्रांसफर्ड। सो ग्लोरियस द लॉर्ड्स नेम्स आर। तो इसके विषय में हम और कीर्तन के बाद चर्चा करेंगे। तो इस कीर्तन करने के दौरान हाउ डज इट हैपन कि लीड एंड रिस्पॉन्स होता है, जैसे पहले मैं गाऊंगा, फिर उसके उपरांत जिस धुन में मैं गा रहा हूँ, जिस राग में मैं गा रहा हूँ, उसी राग में आप लोग मेरे पीछे पीछे गाने का प्रयास करेंगे। वंस आई कंप्लीट, मैं एक बार पूरा मंत्र कंप्लीट करने के बाद आप लोग गाएंगे। इन दिस महामंत्र, वैसा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट कंटेन्स थ्री सिलेबल्स, हरे कृष्णा और रामा, ये थ्री रोट वर्ड से ही पूरा महामंत्र बनाया हुआ है। एंड दिस इज फ्रॉम कली संतरण उपनिषद से ये महामंत्र, ये स्पेशली इस युग के लिए रिकमेंड किया जाता है। लुकिंग एट द एनोमलीज ऑफ द करंट एज, आज की दुस्थिति और अनर्थ देखते हुए स्पेशली इस कलयुग के लिए रिकमेंड किया हुआ है। और इस महामंत्र के माध्यम से हम भगवान से न संपत्ति मांग रहे हैं, न धन मांग रहे हैं, न विद्या मांग रहे हैं, न ख्याति मांग रहे हैं, न कुछ। इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग समथिंग फ्रॉम हिम, इट इज़ अबाउट ऑफरिंग समथिंग टू हिम। उनसे लेने के लिए कीर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको देने के लिए कर रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं भगवान को? वी आर सेइंग मैन, इसके अर्थ इस प्रकार से है, हे श्रीमती राधा रानी, हे राधा कृष्ण, हमारी यही प्रार्थना है आपके चरणों पे कि हमें आप अपनी सेवा में लगाइएगा। प्लीज एनेबल अस विद एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। तो इस प्रकार के बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ भगवान से प्रार्थना की जाती है। सो ठीक है, बाकी समय हम जिस उद्देश्य के साथ भी भगवान के पास जाएं, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 minutes जब हम कीर्तन करेंगे, सभी अपने मन को इस भावना के साथ जोड़िए, राधा कृष्ण से प्रार्थना करो कि हमें वे अपनी सेवा में लगाएं। अंटिल नाउ आई हैव बीन सर्विंग दिस, आई हैव बीन सर्विंग माई ओन सेंसेस, मैं अपने ही इंद्रियों का सेवा करते हुए आ रहा था, बट नाउ लेट मी सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँ। तो इस प्रकार की भावना के साथ हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, फिर उसके उपरांत विल डिस्कस समथिंग मोर ऑन दिस। तो आप सभी तैयार है कीर्तन करने? एंड जब कीर्तन करेंगे, ये मन ही मन नहीं करना होता है, बल्कि जोर से गाना होगा, जोर से गाना होगा, क्योंकि मन के अंदर करने से एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बेनिफिशियल है जोर से करना, जोर से करना। इसलिए संकीर्तन खास करके जोर से गाया जाता है। तो इसलिए अभी सभी लोग जोर से गाएंगे।
ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। Rama 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 Rama
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौ निथाय की, श्री प्रभुपाद की थाय गौर प्रेम नंदे। मद्ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वतदेवे। गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वैसा कल से बिगिनिंग फ्रॉम टुमारो सितंबर 17 से आगे आने वाले एक हफ्ते तक ये वर्ल्ड होली नेम वीक, वर्ल्ड होली नेम वीक के रूप में पूरा वर्ल्ड में मोर देन 100 कंट्रीज में ये विश्व हरिनाम सप्ताह मनाया जाता है। तो इस सप्ताह के माध्यम से ये जो हरिनाम संकीर्तन की आंदोलन का प्रचार और इस हरिनाम संकीर्तन को अनेक अनेक देशों में अनेक अनेक लोगों तक पहुंचाने का विशेष प्रयास जारी रहता है इस 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में। बिकॉज टुमारो वॉज द डे, जो सितंबर 17 तारीख का ही दिन श्रील प्रभुपाद जी 35 दिन की नौका यात्रा के उपरांत अमेरिका पहुंचते हैं और अपने साथ इस हरिनाम संकीर्तन को ले जाते हैं। तो कल का ही दिन प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रवेश किए थे इस हरिनाम संकीर्तन को लेकर, एंड दैट्स वाई उनकी उनके आगमन के उपलक्ष्य में इस विश्व हरिनाम सप्ताह के रूप में ये 7 दिन मनाया जाता है टू कमेमोरेट हिज कंट्रीब्यूशन एंड द एफर्ट्स ही मेड इन स्प्रेडिंग द होली नेम, भगवान के नाम की नाम का प्रचार करने में जिस प्रकार की प्रयास उन्होंने किया है उसकी स्मरण करते हुए तो यहाँ पर विश्व हरिनाम सप्ताह के रूप में हर जगह मनाते हैं। तो कई बार पीपल टेक टू बी अ वेरी सेंटिमेंटल आइडिया ऑफ चैंटिंग द नेम्स, भगवान के नाम के संकीर्तन करना कई बार लोगों को लगते हैं क्या सेंटिमेंटल है, ये क्या सेंटिमेंटल है, दिस इज नॉट सो साइंटिफिक, दिस हैज नो मच लॉजिक और रीजन और अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट। बट टू से कई बार लोगों को लगता है ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पीपल सेंटिमेंटली वो करे जा रहे हैं। Some kind of rituals are given in the Shastra scriptures, में कुछ rituals दी गई हैं and people are blindly doing all of it. But the fact of the matter is, it is not sentimentalism. It is much more scientific than the so-called science. कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है जितना जो कुछ भी हमें बातें शास्त्रों के अंतर्गत दिया हुआ है, रादर दे आर मोर साइंटिफिक देन द साइंस दैट पीपल गेट टू नो इन टुडेज वर्ल्ड, जो हम पुस्तकों में जिस प्रकार के साइंस विज्ञान हमने पढ़ा है
उससे बेहतर विज्ञान है ये, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अ हायर रेल्म, हायर रेल्म जो कि स्पिरिचुअल रेल्म है, बिकॉज इसके अंतर्गत एक ऐसा स्तर के विषय में चर्चा किया जाता है स्पिरिचुअलिटी के विषय में, एंड इसके विषय में विज्ञान के अंतर्गत भी कई सारे रिसर्चर्स हुई है स्पिरिट के संबंध में भी, एंड वैसा नहीं कि वैज्ञानिक स्पिरिट को, स्पिरिट के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, लॉट मतलब कई सारे रिसर्च पेपर्स इसके संबंध में, एंड स्पेशली 1970s में ही काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ है इसके संबंध में, एंड वैसा दे रेफर टू यूजुअली साइंस के अंतर्गत इसको एंटी मैटर के रूप में रेफर करते हैं, ऑल्दो दे मे नॉट बी कॉलिंग इट बाई द टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज, बट दे रेफर टू एज एंटी मैटर, एंड एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज के विषय में रिसर्च पेपर्स में क्लियरली बताए गए हैं, जितना हम प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हम आत्मा और स्पिरिचुअलिटी के संबंध में हम कहते हैं वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज जो है ये एंटी मैटर को, एंटी मैटर के साथ वो लोग जोड़ते हैं, तो दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर, एंटी मैटर विच इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन विच इज एटर्नल, एंड द सेम थिंग वी यूज इट फॉर स्पिरिचुअलिटी, तो इस प्रकार से एंटी मैटर के एग्जिस्टेंस के विषय में ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, एंड द प्रॉब्लम इज कि द साइंस हैज नॉट ग्रोन टू सच अ लेवल सो एज टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकसीज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिट, अभी के समय पर हमारा विज्ञान अभी उस स्तर तक पहुँच ही नहीं पाई है जहाँ पर चेतना के संबंध में एंड चेतना के संबंध में और स्पिरिट के संबंध में, आत्मा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सके, एंड दैट्स अ रीज़न कल हम एक आईआईटी मंडी का डायरेक्टर आए हुए थे हमारे मंदिर, ही इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, प्रोफेसर है, तो वो हमारे मंदिर आए थे, उनसे हम बात कर रहे थे, सो ही इज सेटिंग अप एन यूनिवर्सिटी इन वृंदावन टू डील विच डील्स विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो पूरा एक यूनिवर्सिटी का ही स्थापना कर रहे हैं सिंपली टू स्टडी एंड रिसर्च अबाउट कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव स्टडीज, पूरा हमारे वैदिक शास्त्रों की आधार पे पूरा रिसर्च होगी, एंड वहाँ पर डिप्लोमास इत्यादि इत्यादि एमएस बीए सब कुछ किया जा सकता है, उस प्रकार का पूरे यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं कॉग्निटिव स्टडीज के लिए, स्पेशली टू रिसर्च इनटू कॉन्शियसनेस, बिकॉज अभी तक वैज्ञानिकों को मन को ही समझ नहीं पाए, मन माइंड को ही समझ नहीं पाए, एंड कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिट इज मच मच सटलर देन माइंड, माइंड से भी ज़्यादा सूक्ष्म है ये स्पिरिट, जब मन को ही आप समझ नहीं पा रहे तो स्पिरिट तक कहाँ पहुँच पाएंगे, कहाँ पहुँच पाएंगे, इट्स बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू ग्रैस्प थिंग्स, तो उस प्रकार की उस स्पिरिट के संबंधित बातें हमें शास्त्रों के अंतर्गत बहुत क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है, विच इज बियॉन्ड द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट ऑन, बिकॉज जितने भी आप एपरेटस एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो ऑल ऑफ इट आर मेड ऑफ मैटर, सब कुछ मैटर से ही बना हुआ है एंड मैटर के साथ ही डील करती है सारा चीज़ें, एंड एंड अल्टीमेटली एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व्स एन एरर फैक्टर, एरर फैक्टर को लेकर ही कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बिना तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगी, वैसा है जो भी फिजिक्स इत्यादि के अंतर्गत पढ़ाई करें उनको तो क्लियर है, क्लियरली पता है कि एरर फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व है किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट में,
अगर चाहे आप कितना भी परफेक्शन के साथ इंस्ट्रूमेंट बना भी ले, अल्टीमेटली उस इंस्ट्रूमेंट की आउटपुट को एनालाइज तो करेंगे अपनी इंद्रियों से। अगर द पावरफुल और पावरफुल टेलीस्कोप से भी आप देख भी यूज कर भी ले, अल्टीमेटली आप देखेंगे किससे? टेलीस्कोप को, अपने आंखों से। तो आप माइक्रोस्कोप उपयोग कर लो, अल्टीमेटली आप अपने आंखों से तो देखेंगे ना, और हमारा आंखें तो परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट नहीं है, सो ऑलवेज देयर इज एन एरर फैक्टर इन इट। तो फिर ऐसे एरर फैक्टर के साथ परफेक्शन आप कभी पा नहीं सकते हो नॉलेज में। ऐसा एरर फैक्टर जब इन्वॉल्व है, कभी भी नॉलेज के अंतर्गत एब्सोल्यूटनेस और परफेक्शन कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उस प्रकार के परफेक्शन और एब्सोल्यूटनेस अगर ज्ञान के अंतर्गत हमें प्राप्त करनी है, दैट इज टू बी गेन्ड ओनली थ्रू शब्द प्रमाण। केवल शब्द प्रमाण के आधार पे ही जो ज्ञान मिलता है, उसको आप परफेक्शन और एब्सोल्यूट नेचर के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए शब्द प्रमाण का मतलब ये है, शास्त्रों के अंतर्गत दिया हुआ बातों को सच के रूप में स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर टू बी एब्सोल्यूट ट्रूथ। हमारा भारतीयों की ये बहुत बड़ा मूर्खता है कि इन द नेम ऑफ साइंस, इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट, दे हैव रिजेक्टेड देयर ओन स्क्रिप्चर्स। अपने ही शास्त्रों को टुकरा दिए, नकार दे रहे हैं। वो खुद ही कह देती है मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी उनका अपना खुद का हिस्ट्री को मैथोलॉजी करके डिक्लेयर कर देने पे, देन उनका कोई बेसिस, फाउंडेशन ही नहीं रहा। सो दे आर लिटरली कटिंग डाउन द वेरी ब्रांच ऑन विच दे आर सिटिंग। तो पागल लोग होते हैं ना, वो क्या करते, जिस जिस ब्रांच पे बैठा हुआ है उसी को काटने लगते हैं। एंड द सेम थिंग इंडियंस आर डूइंग। जहाँ पर वो लोग बैठे हैं, जिस भारत भूमि पे बैठे हैं, जिस संस्कृति का पालन कर रहे हैं, सनातन धर्म के पालन कर रहे हैं, उन्हीं के शास्त्रों को कहते हैं कि मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी, मिथ मतलब काल्पनिक है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। रामायण कभी नहीं हुआ, महाभारत कभी नहीं हुआ, कृष्ण करके कोई नहीं है, ये सारा कुछ झूठ है। क्या हजारों सालों से जो करते हुए आ रहे, सभी पागल है। जो कॉन्शियसनेस, जिस कॉन्शियसनेस के विषय में आज के वैज्ञानिकों पता तक भी नहीं चल पा रहे, उस कॉन्शियसनेस के विषय में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जिनके पास है, फिर वो पागल निकले पड़े। सो इट इज नॉट सो, इट्स नॉट सो, रेदर रेदर एवरीथिंग दैट इज बीइंग टोल्ड इन द स्क्रिप्चर्स इज परफेक्टली ट्रू। जो कुछ भी शास्त्र में बताई जा रहे हैं वो परफेक्टली सच है, परफेक्टली सच है। समझने के लिए उस प्रकार की बुद्धि चाहिए। समझने, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो, कई बार लोगों को कई प्रकार की बातें जब शास्त्र में की जाती हैं, उनको लगता है ये सारा उलटपटांग बातें वैसे कह रहे हैं, ये थोड़ी हो पाता है ऐसा। जैसे आप सोचे कि बिफोर 200 ईयर्स, 200-300 साल पहले, जब शास्त्रों में कहा जाता था कि पुष्पक विमान थे और देवताएं विमान में उड़ते थे, तो लोगों को लगता ये क्या पागलपन है, पक्षी की तरह क्या वो विमान में उड़ेंगे। हम जमीन में गाड़ी को चलाने के लिए दिक्कत हो रहे हैं, पानी में चलाने के लिए दिक्कत हो जाता है, अब हवा में कैसे उड़ा देंगे गाड़ी। हाउ कैन दिस एवर बी पॉसिबल कि समथिंग इज फ्लाइंग विद अ पर्सन सिटिंग ऑन इट, फॉर समथिंग इज फ्लाइंग आउट इन द एयर, हवा में कैसे उड़ सकता है। फिर उस समय तो लोगों को यही लगता था, ये सारा उठपटांग बातें वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, ये सारा सच है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बट वॉट हैपेंड वेन द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द प्लेन, जब राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट फर्स्ट एरोप्लेन को उड़ाए थे, उसके बाद एरोप्लेन्स होना ये तो सच निकला है। और आदमी प्लेन के ऊपर बैठकर उड़ सकता है करके ये भी बात सच निकला है। जब ये सारी बातें सच निकली है, देन हमारे शास्त्रों के अंदर का जो विमान शास्त्र भी जो है,
उसके ऊपर लोग रिसर्च करने लगे। अरे इतने सारे विमान शास्त्र के अंदर इतने वैरायटीज ऑफ प्लेन्स कहाँ से हैं, इतने वैरायटीज ऑफ प्लेन्स कहाँ से क्या है करके। हम जिन शास्त्रों का हम टुकरा रहे हैं उन शास्त्रों को नासा वाले उठा कर ले जा रहे हैं, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये सच है और इसके विषय में हम थोड़ा खोज करके। एंड दे हायर संस्कृत स्कॉलर्स, दे हायर संस्कृत स्कॉलर्स इवन यहाँ तक भी वार स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करने के लिए हिटलर ही यूज टू ही ट्रांसपोर्टेड मेनी संस्कृत स्कॉलर्स फ्रॉम हियर टू जर्मनी, ताकि फिर उनसे जो युद्ध की स्ट्रैटेजीज वगैरह जैसा शास्त्र के अंदर डिस्क्राइब्ड है उनसे ट्रांसलेट करवा कर उसकी स्टडी करके फिर वो अपना वार स्ट्रैटेजी बनाया करते थे। तो वो हमारा जो संस्कृत स्कॉलर की फोटो भी वो अपना कमरे में टांगे हुए थे, बिकॉज ही हैज कंट्रीब्यूटेड लॉट टू हिज वार। तो उस प्रकार से सो इट इज इंडियंस हु हैव द लीस्ट फेथ इन देयर ओन स्क्रिप्चर्स बट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स इन इट। दुनिया तो मानती है बट भारत देश के लोग ही नहीं मानते, ये अपनी मूर्खता है, कई लोग मानते नहीं। एंड स्पेशली द सो कॉल्ड डेडिकेटेड कम्युनिटीज इन द नेम ऑफ साइंस दे रिजेक्ट गॉड, इन द नेम ऑफ साइंस दे रिजेक्ट गॉड। बट ठीक है साइंस तो है ही, बट हु मेड दैट साइंस, हु हैज ब्रॉट दैट साइंस इन एग्जिस्टेंस, हैव यू एवर थॉट ऑफ इट। ठीक है विज्ञान तो है अपने स्थान पर, उस विज्ञान को बनाया किसने। इन साइंस वी टॉक अबाउट, साइंस के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि देर सो मेनी गैलेक्सी गैलेक्सीज आउट देयर इन द यूनिवर्स, हु मेड इट ऑल पॉसिबल, उन सारा गैलेक्सीज को बने किसने, मतलब वो हमें उसकी एग्जिस्टेंस के पीछे कारण कौन रहा है। हम भूमि के अंतर्गत भू आकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स है करके हम डिस्कवर कर सकते हैं और उसकी नाप सकते हैं कि अच्छा ये 7.8 मीटर पर सेकेंड है करके, बट उस प्रकार की ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किसने किया। पीपल फेल टू थिंक ओवर दिस एंड दे बिकम एथियस्टिक, नास्तिक बन जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस संकुचित चेतना के कारण दे बिकम एथियस्टिक, नास्तिक बनते हैं। तो इसलिए इफ ही विद अ ब्रॉड माइंड इफ ही रीड द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का अगर अध्ययन करें देन यू विल गेट टू नो। देखिए कि बचपन से हमें वही साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स सोशल ज्योग्राफी हिस्ट्री इत्यादि इत्यादि पढ़ाई गई हैं, बट कब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट में हमें स्पिरिट के विषय में पढ़ाई गई है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट में हमें भगवान के विषय में पढ़ाए जा रहे हैं, नेवर। आप पीएचडी भी कर लो कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट इस प्रकार से आता ही नहीं कहीं, जहाँ पर भगवान के विषय में समझ सके, जहाँ पर आत्मा के विषय में समझ सके, जहाँ पर रिलीजन के विषय में समझ सके, नेवर। स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म पीपल कैन कंप्लीटली रिजेक्ट रिलीजन सेक्युलरिज्म के नाम पे। कम से कम आप ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड इत्यादि यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वहाँ पर रिलीजियस स्टडीज है, वहाँ पर आप भगवत गीता पे भागवतम पे आप पीएचडी कर सकते हो, आप पीएचडी कर, बट हमारे भारत में नहीं कर सकते, भारत में नहीं कर सकते पीएचडी, इस पे डॉक्टरेट नहीं पा सकता है। तो वैसा हाल है। तो इसलिए इट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु गॉड इज, भगवान कौन है हमें समझना होगा, और हमें बिकॉज अभी के बच्चों को तो जब तक आप एक लॉजिक रीजनिंग साइंस वगैरह आप नहीं देंगे ना, उनको लगता है कि पापा ये क्या कर रहे हो, हाथ जोड़ कर खड़े हो,
दे डू नॉट एक्सेप्ट। आप बार बार कहते रहेंगे बेटा आप हाथ जोड़ो, भगवान के पास जाओ, ये करो वो करो, नहीं करेंगे। जब तक आप उन्हें स्ट्रांग कारण नहीं दे पाएंगे ना, आप करवा नहीं पाएंगे। फिर एक दो मतलब आपसे जबरदस्त होकर फिर कुछ बार कर भी ले, फिर आगे जाकर करेगा नहीं, बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी स्ट्रांग रीजन। तो इस प्रकार से तो दैट्स द रीजन। फिर ये सारे बातें सबसे पहले हमें खुद जानना होगा, एंड सेकेंडली वी शुड लर्न टू लिव बाई इट, एंड थर्डली देन वी कैन टेल समबडी, तभी हम किसी को बोल भी पाएंगे, वेन वी आर लिविंग बाई इट, जब हम उसके अनुसार जी भी रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी। जैसे मैंने कहा, एक जैसे उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, जैसा हरिनाम संकीर्तन करने से जो जो फायदों के विषय में शास्त्र में जो बताया जाता है, कई बार लोगों को लगता है कि क्या नाम संकीर्तन करने से, नाम लेने से थोड़ी मन शांत हो जाएगी, स्वच्छ थोड़ी हो जाएगी, इसके अंदर कलमश थोड़ी निकल जाएगी। एक बार वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन में थे, एक एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आए थे। देन फिर उसने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, हाउ कैन आई साइंटिफिकली अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, मैं साइंटिफिकली कैसे समझ सकता हूँ ये नाम जप संकीर्तन जो आप लोग आप करवा रहे हो, इतने बच्चों को लगा कर रखा आपने, इसकी इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ। तुरंत प्रभुपाद जी ने कहा कि रैस्केल्स लाइक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये बात सुनते ही उनकी दिमाग उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, उनको लगा कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मुझे सीधा ये तो रास्केल क्या दे रहे। तो उठकर खड़ा हो गया, उनका खून गर्म होने लगी। देन प्रभुपाद जी ने पूछा, अगर तुम्हें मैं केवल रास्केल कह देने से आप उठकर खड़े हो जाते हो, तुम्हारे खून गर्म हो सकता है, आप इतने एजिटेट हो जा रहे हैं, देन इफ वन वर्ड कैन एजिटेट योर माइंड, व्हाई कैन नॉट देयर एग्जिस्ट अनदर वर्ड विच कैन काम डाउन योर माइंड। जब कोई ऐसा शब्द एग्जिस्ट करती है जो कि आपको एजिटेट कर सकती है, देन क्यों ऐसा शब्द एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि आपके मन को शांत भी कर सकती है ना। देन फिर इसके लिए और क्या लॉजिक चाहिए? रैस्केल के पीछे कौन सा साइंस है? रैस्केल के पीछे ये कौन सा साइंस छुपा हुआ है कि आप इतना उठकर खड़े हो गए, गुस्सा हो जा रहे आप? तो उसी प्रकार जिस प्रकार से रैस्केल शब्द की असर आपकी दिमाग में पड़ी है, आपकी भावनाओं पे पड़ी है, आपकी भावनाओं को पूरा उल्टा कर दिया, विकृत कर दिया, एंड आपको एजिटेट कर दिया, मन को बिल्कुल अशांत कर दिया, यहाँ तक भी आप उठकर खड़े हो गए हैं, देन उसी प्रकार से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के नाम संकीर्तन करने से, जप करने से मन शांत होता है, एंड जिस प्रकार से कलमश आ गई आपके मन में, उसी प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र आपके हृदय से कलमश निकाल भी सकती है। कोई शब्द आपके मन को दूषित कर सकती है, कोई शब्द आपके मन को स्वच्छ भी तो कर सकती है। तो इक्वल साइंस है दोनों के पीछे, रास्केल के पीछे भी और भगवान के नाम के पीछे भी, वही विज्ञान है, वही विज्ञान है। तो इस प्रकार से सो इट सिंपली नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड गॉड। भगवान को, शास्त्रों को समझने के लिए थोड़ा बहुत कॉमन सेंस की जरूरत है, एंड पीपल हु लैक दैट सेंस, जिनके अंदर वो कॉमन सेंस भी नहीं है, देन फिर क्या करें, देन क्या करेंगे फिर? ठीक है, कॉमन सेंस ही नहीं तो फिर क्या करें?
इसलिए द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स आर परफेक्टली क्लियर, बट वी नीड टू ओपन अप अ माइंड्स, वी नीड टू ग्रो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स. शास्त्रों की बातें तो बिल्कुल क्लियर है, केवल हमें ऊपर उठना होगा, उनकी बातों को समझने लायक बनना होगा. कई बार लोग कहते हैं तो सारा झूठ है. जैसा आप देखिए, हमारा वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत नेवर डिड एनीबडी डिसबिलीव दैट प्लांट हैज लाइफ. पौधों में प्राण है करके कभी भी हमारे शास्त्रों में कभी कोई डिसबिलीव नहीं था. अगर छोटे बच्चे से पूछे वो भी कहेगा कि अगर मतलब पेड़ को आप इस प्रकार से हिलाओ मत तो मर जाएगी, है ना. आप छोटे गांव में भी चले जाए जिनको कोई भी विज्ञान विज्ञान नहीं पता, वो भी यही बात कहेगा, आप ज़्यादा छेड़खानी मत करो मर जाएगी करके. मतलब मानते हैं ना उसके अंदर प्राण है करके, प्राण है करके. बट बाकी अन्य लोगों को कब मतलब तब तक पता नहीं चले जब तक वो जगदीश बोस ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए नहीं कि देखिए प्लांट में लाइफ है 70-80 साल पहले, है ना. तो इस प्रकार से मतलब इनके हिसाब से 80 साल पहले प्लांट में नहीं लाइफ नहीं थे. जब शास्त्र कहती थी कि प्लांट में लाइफ है करके, तब ये तो शास्त्र झूठ कह रही है. शास्त्र तो झूठ कह रही है, ये तो उठपटांग बातें कहती है, तो वैसे ही कह रहे हैं. बट अभी तो पता चला ना कि लाइफ है करके प्लांट्स में. उसी प्रकार से शास्त्र में कहा जाता है कि आत्मा सर्वगतः, आत्मा सर्वगत मतलब आत्मा जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इट्स एवरीवेयर. आत्मा का अस्तित्व हर जगह होता है, यहाँ तक भी अग्नि के अंतर्गत भी आत्मा होता है, अग्नि के अंदर भी. बट अग्नि के अंदर अभी अंटिल रिसेंटली कोई मानते नहीं थे कि अग्नि के अंतर्गत लाइफ हो सकता है करके. बिकॉज यही है कि आग में जो कुछ भी डालेंगे तो जल जाएगी, कुछ भी डालेंगे तो जल जाएगी, तो फिर कहाँ लाइफ रहेगा ना. देन फिर उसके बाद रिसेंटली पीपल फाउंड आउट फायर बैक्टीरिया. फायर बैक्टीरिया के विषय में पता चला, देन फिर समझ आएगा जो है जान, जो कि फायर बैक्टीरिया फायर के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, वो कुछ नहीं होता. क्योंकि शास्त्र बिलीव करती है, जस्ट लाइक आप लोग समझते होंगे, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर पंच महाभूत, इन पंच महाभूतों से ही जो कुछ भी हम इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत देख रहे हैं सारा कुछ इसी से बना हुआ है. तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंतर्गत कोई भी जीव रहने के लिए उनको एक विशेष शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तभी उस विशेष शरीर के साथ वो उस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत रह पाएंगे. जैसा अगर चंद्रमा पे जाना है तो फिर हमें मून सूट चाहिए, है ना, करोड़ों रुपए की मून सूट. मून सूट चाहिए चंद्रमा पे अगर इफ यू वर टू एग्जिस्ट अलाइव देयर. अगर उसी प्रकार से अग्नि के अंदर जाना है तो जैसा कई अपार्टमेंट्स के सामने रखते हैं फायर सूट्स, अगर वो पहनकर आप अग्नि के अंदर जा सकते हैं आप जलेंगे नहीं. उस प्रकार से जब एक डीप सी डाइवर्स जो होते हैं पानी के अंदर बिल्कुल गहराई में जाने के लिए वो सूट पहनते हैं, एंड उस प्रकार की पैरों में हाथों में वैसे पहनकर फिर जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके. तो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रहने के लिए एक पर्टिकुलर सूट या बॉडी की जरूरत पड़ता है. उसी प्रकार से अगर कोई जीव को पानी के अंदर रहना है उनको ऐसा बॉडी मिलता है जिसमें प्राइमरी एलिमेंट वाटर रहता है.
प्राइमरी एलिमेंट वाटर रहता है। उस प्रकार की एक विशेष शरीर मिलता है जैसा कि मछली इत्यादि चीज़ों की, उस प्रकार की शरीर मिलता है जो कि वाटर के अंतर्गत एग्जिस्ट कर सकती है। उसी प्रकार से अग्नि के अंदर रहने के लिए भी अग्नि प्रदान शरीर मिलता है, जहाँ पर अग्नि का कंटेंट ज़्यादा है, जो कि अग्नि है तो फिर जलेगा क्या? अग्नि ही है तो शरीर अग्नि से बना हो तो फिर जलेगा भी क्या? सो दिस इज द काइंड ऑफ बॉडीज दैट पीपल आर अवार्डेड डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर दे आर सपोज्ड टू लिव इन। जिस प्रकार के वातावरण उनको रहना होता है उसी प्रकार के शरीर उनको दे दिया जाता है। तो उस प्रकार से अग्नि के अंदर भी रहते हैं। तो उस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत मतलब हमें शास्त्रों के अंतर्गत ये सारे बातें हमें शास्त्रों से ही बता रहे हैं। इसलिए डोंट थिंक द स्क्रिप्चर्स टू बी एनी द प्रोडक्शन ऑफ एनी टॉम डिक एंड हैरी। कोई एक साधारण व्यक्ति का भाव आगे उन्होंने लिख दिया कि इतना भाव आ गया कि लाखों लाखों श्लोक लिखेगा। ये कोई साधारण श्लोकों को केवल मुंह से रटने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। मुंह से कहने के लिए श्लोकों को मुंह से कहने के लिए परेशान हो जाते हैं, और वैसा श्लोकों का रचना करना हाउ डिफिकल्ट इट इज। कीपिंग इंटैक्ट सारे अलंकार सारे ग्रामर इत्यादि इत्यादि इंटैक्ट, बिकॉज इट इज नॉट मियर इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बट अगर संस्कृत देखा जाए तो इट इज वेरी वेरी हाईली ग्रामेटिकल। हर एक शब्द की प्लेसमेंट से पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज डिक्लर्ड कि संस्कृत द बेस्ट सूटेबल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर बेस्ट सूटेबल लैंग्वेज है संस्कृत, बट क्या करें लोगों को संस्कृत नहीं आता, तो फिर इसलिए एप्लीक डाल भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से एंड वैसा संस्कृत में इतने सारे श्लोकों को लिखना, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, नॉट अ नॉर्मल थिंग। एंड इतना सारा अर्थ एक एक श्लोक के अंतर्गत छिपा हुआ है। पीपल मेडिटेट कंटेम्पलेट फॉर ईयर्स टुगेदर टू अंडरस्टैंड व्हाट द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर श्लोक इज। तो इस प्रकार के श्लोकों का रचना करना, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। एंड इसलिए वी शुड वैल्यू आर कल्चर, वी शुड वैल्यू द स्क्रिप्चर्स दैट वी हैव बीन वी आर अवार्डेड और वी हैव बीन गिवन बाय आवर जनरेशंस। हमारे पूर्वजों से जो हमें शास्त्र जो मिला हुआ है, जिस प्रकार की संस्कृति हमें मिला हुआ है, दिस इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट। इसके परे कुछ है नहीं, इसके परे कुछ है नहीं, बिकॉज अब बाकी अन्य शास्त्रों में अगर कोई अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथों में अगर देखा जाए, चाहे कुरान बाइबल इत्यादि, डेफिनेटली विल फाइंड थिंग्स अबाउट गॉड, बट जितना डिटेल के साथ सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन है उतना डिटेल अब तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जितने डिटेल्स whether it be origin of the universe, whether it be the kingdom of God, whether it be the Lord's form, whether it be the Lord's name, हर चीज़ के इतने सैकड़ों सैकड़ों श्लोकों में इतना विस्तृत वर्णन है कि यू कैन नेवर फाइंड एनीवेयर। उस प्रकार के अद्भुत संस्कृति से हम सभी बिलोंग करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट आर सिंपली वेस्टर्नाइजिंग एंड ट्राइंग टू फॉलो द वेस्टर्न कल्चर। केवल एक प्रगति के नाम पे, केवल लोग आधुनिकीकरण के नाम पे लोग सिंपली पाश्चात्य देश लोगों की अनुसरण करे जा रहे हैं। सो इन वन सेंस द ब्रिटिश इज रूलिंग इवन टुडे। जिस प्रकार के चाप छोड़कर वो लोग जाना चाहते थे, दे वर लिटरली सक्सेसफुल इन देयर दैट। उस प्रकार के चाप छोड़ कर गए हैं। एंड ऐसा एक व्हाट यू से कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इंडियंस के अंतर्गत डाल कर चले गए कि आज तक भी हमें सोचते हैं अगर कोई गोरे चमड़े वाले अगर आ जाए सामने, हमें लगता है हम कुछ छोटे हैं वो कुछ बड़े हैं।
लगता है एक माइंडसेट बना हुआ है आज तक भी, दे आर मोर एडवांस एंड दे मच मच बेटर देन व्हाट वी आर करके, बट ये बात लोग समझ नहीं पा रहे कितनी बड़ी संस्कृति है अपनी, जिस संस्कृति से हम आ रहे हैं, जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार के आचरण, जिस प्रकार के सिद्धांत, जिस प्रकार की आध्यात्मिकता, जिस प्रकार के विवरण, जिस प्रकार की भाषा इत्यादि हमारे संस्कृति के अंतर्गत कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए इफ इंडिया इज ग्लोरियस, इंडिया इज ग्लोरियस फॉर इट्स कल्चर। अगर भारत महान है तो भारत की महानता उसकी संस्कृति में है, इस आध्यात्म विज्ञान में है, बिकॉज उनकी सारा संस्कृति इट इज कम्प्लीटली गॉड सेंटर्ड कल्चर, भगवत केंद्रित संस्कृति है, जहाँ पर हर कार्य, हर सोच, हर प्रकार की योजना केवल भगवान को केंद्र में रखते हुए किया जाता था। एवरीथिंग, इवन द किंग यूज टू डेली कम टू द टेम्पल, ही यूज टू ऑफर द अकाउंट्स टू द लॉर्ड, भगवान को पढ़ा कर सुनाते थे। जैसे दक्षिण भारत में जहाँ पर अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, जहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की सोना वगैरह निकला इत्यादि करके, जो वहाँ के राजा थे, सो ही यूज टू डेली गो टू द टेम्पल, वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाया करते थे नंगे पैर, जाते थे एंड एक सेवक के रूप में जाया करते थे, मैं भगवान के सेवक हूँ और भगवान की ओर से मैं ये राज कर रहा हूँ, भगवान की ओर से प्रजा की पालन करने की जिम्मेदारी मुझे भगवान ने दिया तो भगवान की ओर से मैं कर रहा हूँ। वो अपने आप को ही मतलब वो हेड स्ट्रॉन्ग वाला व्यक्ति नहीं है, रादर वो हम्बल व्यक्ति है। जब आप सोचे उस राजा के विषय में सोचे जो अपने आप को भगवान के सेवक मानकर एक सेवक के रूप में कार्य करता है, उनकी राज क्या होता है आप सोच रहे हैं। तो वो जाकर इस भावना के साथ राज करते हैं, हर दिन भगवान को रिपोर्ट देते हैं कि भगवान आज हम ये कर रहे हैं, हम कल हम ये करेंगे, आज ये रिपोर्ट है बताते थे। एंड इस प्रकार की संस्कृति अपनी है ना, तो इसलिए डोंट सिंपली बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, बेटर यस आई मीन बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड एट द सेम टाइम एडॉप्ट आर कल्चर, केवल संस्कृत को स्वीकार भी करो, जो संस्कृति इतना महान है वो संस्कृति को स्वीकार भी करे, और संस्कृति को स्वीकार करने का यही मतलब है जो गीता भागवत की शिक्षाओं को अपनाना, जो गीता भागवत के अंतर्गत जो भी भगवान ने कही है उन बातों को अपने जीवन में अपनाना। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन फिर उसके लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, देन फिर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना होगा। जिस प्रकार की एफर्ट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल इत्यादि पढ़ने के लिए हमने आज तक किया है, तो वो एफर्ट गीता भागवत को समझने के लिए करो। अभी तक हम न्यूज़पेपर्स पढ़ने में इतना समय निकाल देते हैं, गीता भागवत पढ़िए, इतने मैसेज पढ़ते, ईमेल पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देखने में, यूट्यूब की शॉर्ट्स देखने में समय जो कमा दे रहे हैं, वो सारा समय की बचत करके गीता भागवत पढ़िए। बिकॉज आप चाहे कितना भी रील वीडियो देख ले, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन विद यू। जितना पॉलिटिक्स के विषय में समझ भी ले, जितना क्रिकेट के विषय में समझ भी ले, कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाली है, क्या फ़ायदा होगा। पॉलिटिक्स के विषय में समझने से क्या नरेंद्र मोदी अगली बार डिसीजन लेते वक्त हमसे थोड़ी पूछेंगे कि प्रभु जी अभी मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, आप अपना राय बताओ कि क्या करूँ, ऐसा तो नहीं पूछने वाला। देन फिर इतना रिसर्च करके क्या करेंगे, ठीक है जान लेना, बट रिसर्च करने कोई जरूरत ही नहीं। तो उसी प्रकार से बाकी स्ट्रीम्स भी है, सो बेटर इन्वेस्ट आर मेंटल एनर्जी, आर अंडरस्टैंडिंग, आर एफर्ट्स इनटू गीता भागवत को समझने के लिए प्रयास करें, उसे सुने, समझे, पढ़े, तब जाकर समझ पाएंगे कि भगवान ने दिया क्या, भगवान ने दिया क्या, तब जाकर समझ पाएंगे।
एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सिंपली अबाउट दोज रिचुअल्स, अगरबत्ती घुमाने से वो कोई आध्यात्मिकता या कोई भक्ति नहीं होता, क्योंकि सामने वाला है कौन जिनको बत्ती घुमा रहे वो पता ही नहीं है, जिनको हम बत्ती घुमा रहे हैं वो पता नहीं वो कौन खड़े हैं, फिर लगता है कि नहीं प्रभु वो लोग घुमा रहे हैं तो हम भी घुमा दे रहे हैं, अब घुमाते ही रहेंगे तो फिर घूम ही जाएंगे। तो उस प्रकार के सिंपल बेसिक रिचुअल से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करना होगा। घुमाना तो है बट समझना भी तो पड़ेगा व्हाट इट स्टैंड्स फॉर एंड हु इज द पर्सन हु आई एम शोइंग दिस टू एंड क्या है इत्यादि, जब हम समझेंगे देन भावनात्मक रूप से कार्य करेंगे, भावनात्मक रूप से कार्य करेंगे देन फिर वो भक्ति में आएगी। नहीं तो अभी क्या है कि एक सेंटिमेंटल तौर पर ही लोग करते जाते हैं। सो दैट्स वाई ये शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों के विषय में सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से सोचिए, जो हरिनाम संकीर्तन सबसे सुगम रास्ता है भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान के विषय में समझने के लिए, और इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है देन आगे जो भी कोर्सेज इत्यादि ऑर्गेनाइज करते हैं इस्कॉन के अंतर्गत, देन साथ ही साथ गीता और भागवतम की टेक्स्ट बुक्स है अवेलेबल, वो प्राप्त करिए, उसके अध्ययन करो, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन पढ़िए। बिकॉज सी आई मीन लाइफ इज गोइंग टू एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, किसी का आज, किसी का कल, किसी का एक महीने के बाद, किसी एक साल के बाद, 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म होता है देन आप सोच लेना कि आपने अपने जीवन में किया क्या जो काम आने वाली है, जो काम आने वाली कौन सा कार्य हमने किया है, वो जितना भी कमा है वो सारा बैंक बैलेंस नहीं हो जाएगी, जितना पढ़ाई किया डिग्री प्राप्त किया वो सारा कुछ बेकार हो जाएगी, क्योंकि अगले जीवन में हम जाएं तो फिर LKG से ही पढ़ना होगा। तो फिर जो भी हम कमाते हैं एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश, द ओनली थिंग विल बी लेफ्ट विद अस इज व्हाट वी हैव अर्नड इन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में जो कमाए हैं वही हमारे साथ रहने वाली है। तो इसलिए असली कमाई शुरू करो एंड आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करें। सो अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाए, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस इसको बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।